नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनविंदर और मेरे चैनल एमडी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। मुस्लिम कानून कुरान पाक से नहीं आया है, बल्कि इसे किसी इंसान ने ही लिखा है। इस कानून में ईश निंदा करने वाले का गला काटने की बात कही गई है और यह सब मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उदयपुर की घटना आतंकी हमला ही साबित होती जा रही है और राजस्थान सरकार इसे कल और आज अब तक जो है इसे नृशंस हत्या बता रही है। लेकिन पाकिस्तान के एक संगठन ने इन दोनों अपराधियों का लिंक मिलते ही ये घटना आतंकी घटना में तब्दील हो गई है। और इसी बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का ये बयान आया है कि ये घटना दरअसल उस शिक्षा का दुष्परिणाम है जो मदरसों में दी जा रही है। उनका कहना है कि मुस्लिम कानून कुरान पाक से नहीं आया है, बल्कि इसे किसी इंसान ने ही लिखा है। इस कानून में ईश निंदा करने वाले का गला काटने की बात कही गई है और ये सब मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मदरसे में ऐसी ही शिक्षा देनी है तो उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए या फिर मुस्लिम बच्चों को मदरसों की बजाय शुरुआत में स्कूल में ही भेजा जाए। यहाँ रोक करके दोस्तों आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे कलाम साहब, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी हमारे देश में मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। इसी में मुस्लिम समाज की भलाई है। ये उन्होंने क्यों कहा था, बहुत स्टडी की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ये वाली बात कही। अच्छा, अगर इसी घटना की मैं बात करूं तो बात यहाँ नहीं रुकती। जब बचपन से आप किसी को पढ़ाएंगे कि इस निंदा करने वाले का गला काट देना है, तो बड़ा होके वो भले ही ये ना करे लेकिन उसे कोई इसके लिए उकसाने लगे तो ऐसा करने के लिए उसका कन्विंस होना बड़ा सिंपल सा होता है, वो जल्दी कन्विंस हो जाता है। और पाकिस्तान में बैठे सुन्नी अगर उग्रवादी संगठन दावत इस्लामी ने भी यही बात कही है, कही होगी। कराची बेस्ड इस संगठन का संबंध तहरीके लब्बायक नामक उग्रवादी संगठन से भी है और जांच एजेंसियों को उदयपुर की घटना में इस संगठन के होने के संकेत मिल रहे हैं, शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के इन उग्रवादियों को संरक्षण देता है पाकिस्तान, बहुत हद तक आर्थिक और दूसरी मदद भी मुहैया कराता है। हालांकि उसके पास खुद के पास पीने के लिए चाय का एक कप भी नहीं है, लेकिन ऐसे कामों के लिए वो कहीं ना कहीं से जो उसके लिए फंडिंग आई होती है वो फंडिंग ऐसे लोगों को करता है और भारत के खिलाफ उस फंडिंग का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की अपनी हालत जो है अर्थव्यवस्था कितनी खराब हो रही है, कितनी रसातल में जा रही है, बिल्कुल एकदम श्रीलंका की राह पे है। उसे कोई कर्ज देने तक को तैयार नहीं है। शायद इसलिए भारत की उन्नति, उसका विकास लगातार मजबूत होती, भारत की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान से देखी नहीं जाती। जब भी भारत प्रगति के मार्ग पे तेजी से बढ़ रहा होता है, पाकिस्तान इस तरह की कोई ना कोई हरकत जरूर करता है। इस ऐतिहासिक सच के बावजूद कि हर बार उसकी साजिश पकड़ी जाती है, उसे बाकायदा विश्व पटल पे दिखाया जाता है, उजागर हो जाती है दुनिया को, वह दिखाना चाहता है कि भारत में अत्याचार हो रहा है, लेकिन हर बार दुनिया की नज़र में पाकिस्तान दोषी पाया जाता है। सच है, अगर आरिफ मोहम्मद खान सही कह रहे हैं, जो कि राज्यपाल की गरिमा के अनुसार बिल्कुल सही ही कह रहे हैं, तो क्यों ना मदरसों को बंद किया जाए। कम से कम उनमें इस तरह की गला काट शिक्षा देना तो बंद हो जाएगी। उदयपुर जैसी घटनाएं जब होती हैं तो इस तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन जो आरिफ मोहम्मद कह रहे हैं उसकी हमारी शासन व्यवस्था को खबर नहीं होगी। जरूर होगी, लेकिन शासन व्यवस्था और उसे चलाने वाले नौकरशाह भी जड़ हो चुके हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो उदयपुर के दर्जी
कन्हैया लाल के 10 दिन पहले पुलिस से शिकायत करने के बावजूद उसका गला काट दिया जाता है और व्यवस्था लकीर पीटती रह जाती है। बहुत ही दुखद है ये बात शेयर करते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। और कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अल्लाह ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं अपने साथ 5 धर्मगुरुओं को लेकर के बात करती हूँ, मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि धर्म क्या सिखाता है, तो 5ों धर्मगुरु एक ही बात कहेंगे कि हमारा धर्म आपस में प्यार करना सिखाता है। तो फिर ये सब बातें कहाँ से आती हैं कि अगर कोई इष्ट निंदा करता है तो उसका गला काट दिया जाए। ये बात गलत है। और यहाँ तक मैं समझती हूँ आरिफ मोहम्मद खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए। आप क्या कहते हैं दोस्तों मदरसों के बारे में, क्योंकि गलत शिक्षा जो है अगर बचपन में ही बच्चों को दी जाए तो आगे चल के वो अच्छे नागरिक किसी भी कीमत में नहीं बन सकते हैं। मुझे आपके राय का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, और फिर आपसे मिलती हूँ किसी और नई खबर के साथ, किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुझे कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।